हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल पीबीआर स्टडी पे। देखिए मित्रों, हमारी जो है टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो हम हिस्ट्री के क्वेश्चन चला रहे थे। तो हिस्ट्री में देखिए, आज हम फिर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्री और फिर आरओएआरओ 2016 का जो एग्ज़ाम लगा है इस 2020 में 4 महीने के अंदर, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछा गया, तो हम उन्हीं को सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके स्क्रीन सेट पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन आप रीडिंग करें, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुलमित कीजिए, तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो सूची प्रथम और सूची द्वितीय देखते हैं क्या दिया गया दोस्तों। सूची प्रथम में देखिए ऋग्वेद दिया गया है, यजुर्वेद दिया गया, सामवेद दिया गया, अथर्ववेद दिया गया। सूची द्वितीय में दिया गया है स्रोत दिए गए हैं दोस्तों, यानी संगीतमय स्रोत एक लिखा गया है, दो नंबर पे लिखा है स्रोत एवं कर्मकांड, तीन नंबर पे लिखा गया तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और चार नंबर पे लिखा गया स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो आइए हम कूट को देख लेते हैं। कूट में दोस्तों देखिए, कूट में क्या लिखा गया, आ बा सा दा, यानी ए बी सी डी मानिएगा, आ बा सा दा इधर भी लिखा गया, तो इसको भी ए बी सी डी मानिएगा। तो आ के सामने फोर्थ लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ, आ के सामने फोर्थ, बी के बा के सामने दो, सा के सामने वन लिखा गया और दा के सामने थर्ड लिखा गया। क्या ये करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी में देखिए, आ के सामने थर्ड, बा के सामने दो, सा के सामने फोर्थ और दा के सामने वन लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या लिखा गया दोस्तों, आ के सामने फोर्थ, बा के सामने फर्स्ट और सा के सामने सेकंड और दा के सामने थर्ड। और ऑप्शन नंबर डी में आ के सामने सेकंड, बा के सामने थर्ड, सा के सामने फर्स्ट और दा के सामने फोर्थ। तो दोस्तों देखिए हमारा ये, हम देखते हैं कौन जानते हैं, जैसे सामवेद हमारा किससे है दोस्तों, सामवेद की अगर हम बात कर लेंगे, सामवेद जो हमारा है संगीत से है। ठीक है, ये तो हमें कन्फर्म है, यानी सा के सामने फर्स्ट होना चाहिए, सा के सामने फर्स्ट होना चाहिए। तो देख लेते हैं सा के सामने फर्स्ट किस में है। तो सा के सामने दोस्तों फर्स्ट हमारे दो ऑप्शन में है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ में, यानी सेकंड और इनको आप डिलीट मार दीजिए थर्ड। तो यानी आ के सामने फोर्थ होगा और या आ के सामने सेकंड होगा। आइए देखते हैं अपने विकल्प में, आ के सामने सेकंड होगा या फोर्थ होगा। फिर दिया गया है बी के सामने सेकंड होगा या थर्ड होगा, डी के में दिया गया है दा के सामने थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो अब मैच करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आ के सामने फोर्थ कह रहा है, तो हाँ ये आ के सामने फोर्थ वाली बात कही गई है, यानी ऋग्वेद हमारा किससे है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद से है, सामवेद में संगीत है। अब दो बच मिल गए हमारे पास। अब बी के सामने क्या होगा दोस्तों, कर्मकांड, यजुर्वेद में क्या है स्रोत एवं ये है, और अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ये जो है इसका मैच होगा। ठीक है, यही इसका मैच होगा, यानी ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएँ हैं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद संस्कृत मय सूत्र है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वांगीण वर्णित नदी है सिंधु, शतुरादि, सरस्वती या गंगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा वर्णन किसका आया, सिंधु, सूत्रादि, सूत्रादि का मतलब होता है सतलज, या फिर सरस्वती या फिर गंगा। तो देखिए आशय है, सिंधु का नाम सबसे ज़्यादा आया है, ये क्वेश्चन फैक्ट में पूछा गया। ठीक है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, गंगा नदी का एक बार वर्णन मिला था हमको, एक बार। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी का तीन बार मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है अध्यात्म शान के विषय में नचिकेत, नचिकेत और यम होगा, यहां पर यह लिखा गया है, थोड़ा गलत है, यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, यानी जो नचिकेत थे और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है, बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोद उपनिषद में या कठोपनिषद में। ऑप्शन डी दिया गया होगा। देखिए इसमें हमारे टाइपिस्ट महोदय ने ऑप्शन डी को ही निगलेक्ट कर दिया, तो आप लोग इसको मानिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है उन्होंने दिया है फिलहाल, तो ऑप्शन डी को छोड़ के।
कठोर उपनिषद, ऑप्शन डी इसमें निगलेक्ट किया, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर उन्होंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मित्रों, अगला जो है यानी किस में हुआ है, यह नहीं था, यम होना चाहिए था। यहाँ टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है, इसको यम मानिएगा आप लोग, यह नहीं, नचके तो योर यम, जो यमराज है उनका शॉर्ट फॉर्म है यम का। संवाद किस में हुआ था, तो कठोत उपनिषद में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, यानी भारत के किस स्थल की खुदाई से जो लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, कौन सी जगह है, देखते हैं। ऑप्शन दिया गया, तक्षशिला, अरजंती खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तनापुर। देखिए इसमें भी ऑप्शन में एरर है। तो दोस्तों देखिए जो क्या दिया गया है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों को लौह का ज्ञान नहीं था, बाकी सभी धातुओं का ज्ञान था, तो वह कौन सा स्थल है जहाँ पर हमको प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अरजंती खेड़ा, और ऑप्शन डी दिया गया। देखिए ये जो है थोड़ा सा इन्होंने टाइपिंग में एरर कर दिया है, कौशाम्बी और हस्तनापुर को एक ही में कर दिया है, तो जो हस्तनापुर है इसको आप डी मान लीजिएगा, ऑप्शन डी। ये दो प्लेस हैं, कौशाम्बी और हस्तनापुर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक ही में दोनों टाइप कर दिया है, कौशाम्बी को सी मानिएगा, हस्तनापुर को डी मानिएगा। तो अब बताइए आप लोग कौन सा वह प्राचीनतम स्थान है जहाँ से हमको ये देखने को मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर डी डालना चाहिए था, यहाँ कौशाम्बी था और ये सी में है, और हस्तनापुर डी में है, इसका डी ऑप्शन हस्तनापुर है। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं इसका, तो जो इसका जो साक्ष्य मिला है कहाँ मिला है, अरजंती खेड़ा से। तो ये ऑप्शन अलग अलग हैं, इसको डी में रखिएगा आप लोग, और ये सी में है। ठीक है, तो टाइपिंग महोदय ने थोड़ा सा एरर किया, इसको लिए सॉरी, कोशिश करेंगे हम वो आगे सुधार करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, कुछ वेदों का नाम दिया गया है, किसका संकलन हमारा ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो किसका संकलन है जो ऋग्वेद का उपवेद कहा जाएगा, कौन सा वेद है, देखते हैं, उसका आंसर होगा सामवेद। सामवेद जो है यह ऋग्वेद के से बनाया गया वेद है। ठीक है, याद रखिएगा। अथर्ववेद क्या है, वशीकरण है, और यजुर्वेद क्या है दोस्तों, अथर्ववेद क्या है, ये औषधि से रिलेटेड है। ठीक है, यजुर्वेद क्या है, कर्मकांड से है। निम्न में से कौन सी प्रस्थान त्राई में शामिल नहीं, प्रस्थान त्राई में कौन सी नहीं शामिल है, देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए है भागवत, ऑप्शन बी है भागवत गीता, ऑप्शन सी है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी है उपनिषद। यानी प्रस्थान त्राई यानी जो तीन स्थान है, जिसमें जो तीन, यहाँ से त्राई का मतलब तीन त्राई मिलना, प्रस्थान का मतलब जाना, गंतव्य करना। ठीक है, तो कौन नहीं है, तीन है, एक कौन नहीं है, ये आपको बताना है। क्या भागवत नहीं है, भागवत गीता है, या ब्रह्मसूत्र है, या उपनिषद है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ए सही है, भागवत। भागवत जो है ये प्रस्थान त्राई नहीं है, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद का मानने का मतलब है जो उप है, जो लिखे गए हैं बाद में। ठीक है, तो ये जो है रचित हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है कर्म का सिद्धांत, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, या वैश्विक से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत दोस्तों बी सही है इसका, यानी किससे सही है, वेदांत से जो है कर्म का सिद्धांत, वेदांत जो है किस पे आधारित है, कर्म पे, याद रखिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करने के लिए दिया गया, एक तरफ लिखा गया अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद का नाम, एक तरफ लिखा गया ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधि से संबंधित, या संगीत। देखिए हम इसको मिला लें पहले, सामवेद हमारा संगीत से मैच करेगा आप जानते हैं, यजुर्वेद ऋग्वेद किससे है, ईश्वर महिमा से है। ठीक है, यजुर्वेद किससे है दोस्तों, तो देखिए
डी जो है इसमें फोर्थ है, डी में फोर्थ देखिए इसमें कै दो ऑप्शन है, यानी हमारा ये और ये एलिमिनेट कर दीजिए। तो पहले दो को देख लेते हैं हम लोग, पहले दो देखिए, यानी आ का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। आ का फर्स्ट, बी का दो, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो आंसर जो है इसका ए सही है दोस्तों, सी का सेकंड है और वी का फर्स्ट है। बलिदान विधि का वर्णन कहाँ किया गया है? बलिदान विधि का वर्णन अथर्ववेद में, और सी का सेकंड है, आ का थर्ड है, आ का थर्ड है सॉरी, अथर्ववेद औषधियों से है, ये संगीत से है, और सी का सेकंड है ये साका, एक सेकंड मैंने मैच गलत करा दिया था सॉरी, यानी सी का दो सही है। यानी बलिदान विधि किससे? आयुर्वेद से है। ऋग्वेद से क्या लिया गया? ईश्वर। ऋग्वेद से क्या लिया गया है? यानी बी का फर्स्ट सही, ईश्वर महिमा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है बताइएगा आप लोग? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्मशास्त्र? तो चरक संहिता जो है किससे है? चिकित्सा से, हम जानते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधियों का पता चलता है कहाँ से? चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्रह्म ग्रंथों से या आयुर्वेद से? तो यज्ञ संबंधी विधि विधियों का पता चलता है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ या आयुर्वेद? तो देखिए यज्ञ संबंधी हमें विधि विधियों का पता कहाँ से चलता है? दास है, यानी यजुर्वेद, कर्मकांड, कर्मकांड का वेद इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कर्मकांड का वेद किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? गाँव के व्यवसायिक लोगों की संख्या, गाँव में व्यवसायिक लोगों की संख्या ज़्यादा थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद होती थी, राज्य के समस्त लोगों का एक ही राष्ट्रीय सभा होती थी। तो वैदिक युगीन सभा कैसी होती थी दोस्तों? सी सही है, वैदिक युगीन सभ्यता में क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशान निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत कैसी थी बताइएगा आप लोग? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली तो कैसी थी? शासकीय, यानी गणतांत्रिक थी, गणतांत्रिक थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो हम जानते हैं सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? योग दर्शन, वैश्विक दर्शन, मीमांसा, योग दर्शन, सांख्य योग, सांख्य वैश्विक मीमांसा या योग? तो आरंभिक विचारधारा कौन सी है दोस्तों? ये सही है सांख्य दर्शन। सांख्य योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन छह छंदों, छह भिन्न भारतीय दर्शनों का अस्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कहां पर हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में? सांख्य योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या फिर मौर्य युग में? तो इसका ए सही है ऑप्शन नंबर, यानी कहाँ हुई है? वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा वह कौन सी प्रथा था जिन्होंने वो व्यवहार में नहीं लाए थे? क्या वह मृद भांड यानी पटरी नहीं बनाते थे, या आभूषण नहीं बनाते थे, बढ़ईगिरी का काम नहीं करते थे, या फिर लोहारगिरी का काम नहीं करते थे, बताइए? तो आर्य द्वारा कौन सी व्यवहार में नहीं लाई गई थी दोस्तों? तो जो इसका राइट आंसर है डी सही है, यानी आर्यों ने लोहारगिरी का काम नहीं किया था, क्योंकि लोहा जो है नहीं पाया जाता था, इसलिए उन्होंने लोहारगिरी का काम नहीं किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए, उपवेद है या फिर संबंधित वेद है? इधर उपवेद दिया गया या संबंधित? तो आ में दिया आयुर्वेद, बी में धनुर्वेद,
सी में गंधर्व वेद और डी में शिल्प वेद, एक में ऋग्वेद, दो में यजुर्वेद, तीन में साम वेद या डी में फोर्थ वेद अथर्ववेद। तो बताइए कौन किसका उपवेद है। कूट देख लीजिए, कूट देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4, ठीक है, यानी आयुर्वेद किसका है, ऋग्वेद का, धनुर्वेद किसका है, यजुर्वेद का, गंधर्व वेद, साम वेद का, शिल्प वेद या अर्थर्वेद किसका है, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं वो अर्थर्वेद का, गंधर्व वेद, साम वेद का, धनुर्वेद, यजुर्वेद का, अर्थर्वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद का या फिर शिल्प वेद अर्थर्वेद का। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अभी हम लोगों ने देखा था किस में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यहाँ दा होगा, साम वेद, अर्थर्वेद। बताइए किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमने देखा था अर्थर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद में हमारा कर्मकांड है, कर्मकांड है, ठीक है। इसमें ईश्वर से की महिमा और ये क्या है, संगीत से है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दोबारा पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों में वर्ष मंडलों को वंश मंडल ग्रोत्र मंडल कहा जाता है। किस 6 मंडलों को वंश मंडल, ये वंश होगा दोस्तों, या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। तो देखिए दूसरे मंडल से लेकर 9वें मंडल तक, पहले मंडल से लेकर 6ठवें मंडल तक, तीसरे मंडल से लेकर 8वें मंडल तक, ये ऑप्शन फोर्थ दिया गया है, 4थे मंडल से लेकर 9वें मंडल तक। तो बताइए इसका राइट आंसर, किन 6 मंडलों में वंश मंडल या गोत्र की वर्णन किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर ए सही है, यानी दूसरे मंडल से लेके, दूसरे से लेके 9वें तक, यानी 9वें तक क्या है, वंश यौम गोत्र की, ठीक है दोस्तों। वंश यौम गोत्र का वर्णन कहाँ मिलता है, दूसरे से लेके 9वें तक का। आर्य शब्द इंगित है, यानी आर्य शब्द वैदिक साहित्य में आर्य शब्द कितने बार इंगित है, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सही है, यानी 10 बार। कितनी बार है, 10 बार, याद रखिएगा 10 बार आर्य शब्द का वर्णन 10 बार किया गया है ऋग्वेद में। आर्य शब्द संभवतः, आर्य संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे, यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से, अन्य क्षेत्र से। तो जो मध्य एशिया वाला दोस्त है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर जी का जो तत्व है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और यही माना जाता है। यूरोप कहाँ, आर्य सभ्यता कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। गद्य रूप में कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद या फिर अर्थर्वेद। तो यजुर्वेद जो है वो किसमें है, यजुर्वेद किसमें है, गद्य रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, किस वेद में मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, साम वेद में, अर्थर्वेद में। सभा और प्रजापति, ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, किस वेद में वर्णित है, अर्थर्वेद में, अर्थर्व वेद में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ऋग्वेद, ऋग्वैदिक युगीन प्राचीन संस्था कौन सी थी, सभा और समिति, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है विदित और ऑप्शन डी है परिषद। बताइए ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, सभा, बी समिति, सी है विदित और डी है परिषद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सी है, विदित। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, अत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचमिश ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, अत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचमिश ब्राह्मण। तो जो इसका राइट आंसर है बी सही है, शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण है और ये किसका है दोस्तों, ऋग्वेद का। वैदिक युग में यव कहा जाता है, यव किस फसल को कहा जाता था,
गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से कोई नहीं। तो हम जान चुके हैं पहले इसके बारे में, जौ को क्या कहा गया, यौ। कमेंट करके आप बताइएगा जौ किसको कहा गया और चावल को क्या कहा गया। अभी हमने चावल के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिएगा, तथा जो नए व्यूअर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी? क्या ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में किस समय चल रही थी? ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल या सूत्र काल? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो बी सही है, यानी गोत्र व्यवस्था कब आई है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह, मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे अनुलोम क्या होता है। तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी दिया गया उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी दिया गया निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए है, यानी उच्च वर्ण का पुरुष, यानी पुरुष कैसा होना चाहिए? कुलीन होना चाहिए। ठीक है, और स्त्री कैसी होनी चाहिए? निम्न वर्ण की। ये क्या कहलाता है? अनुलोम। अनुलोम का मतलब हमेशा फीमेल कैसा हो ऊपर रखा गया, ऊपर का मतलब श्रेष्ठ माना गया, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कुलीन। और ये क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है, उसका जस्ट अपोजिट पूछा गया, प्रतिलोम विवाह माना जाता है। जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है तो ये बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, अभी हमने देख लिया ये कौन सा अनुलोम हो गया। ऑप्शन बी देखिए आप लोग, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, क्या ये राइट होगा? सी दिया गया है, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर ले, ये तो बिल्कुल ही सेम टू सेम है, ऐसा नहीं हो सकता। जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर ले, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी उच्च वर्ण की नारी। यहाँ पर क्या है? फीमेल को क्या कहा गया है? फीमेल को सुपीरियर कहा गया है दोस्तों, सुपीरियर, सुपीरियर। ठीक है, और किसे कर ले? पुरुष से। ठीक है, निम्न वर्ण के पुरुष से कर ले तो क्या कहलाएगी वो? प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के रहे 29 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा तथा शेयर कर दीजिएगा, और जो नए व्यूअर होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे फिर नए वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के साथ PVR स्टडी के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर